हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके मॉडल स्कूल की, क्योंकि अक्सर भाई बहन ये कमेंट करते हैं कि सर, आपने एक वीडियो में बताया था कि मॉडल स्कूल की भर्ती होने वाली है, तो क्या वो इसी पात्रता परीक्षा से होगी? क्या हमारे पदों में वृद्धि होगी? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो मॉडल स्कूल हैं उनमें भी शिक्षकों की कमी है। DPI के अंतर्गत हर ज़िले में मॉडल स्कूल खोले गए हैं, जो कि बेहतर पढ़ाई के सबसे बड़े साधन माने जाते हैं, जहां पर यदि आपको एडमिशन भी लेना है, जो भी बच्चे हैं उनका भी टेस्ट लिया जाता है, बेहतर शिक्षक यहाँ पर रखे जाते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हो। और एक ज़िले में मॉडल स्कूल और स्कूल के लिए आदर्श होता है, यानी कि गवर्नमेंट के और स्कूल हैं उनके लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए मॉडल स्कूल जो है हर ज़िले में बनाए गए। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए दोस्तों, वहाँ पर भी अधिकांशतः गेस्ट टीचर से ही काम चलाया जा रहा है, तो ऐसे में एक प्रस्ताव रखा गया है कि जो भी मॉडल स्कूल के वैकेंसी हैं, जो करीबन 4000 के करीब हैं, क्यों ना उन्हें भी इसमें जोड़ दिया जाए, जो कि वर्तमान आपके पद हैं। आपके पद अभी DPI, जो कि सामान्य स्कूल हम कहते हैं, और आपके जनजाति विभाग, लेकिन उसके साथ साथ मॉडल स्कूल में भी जो पोस्टें खाली हैं, जहाँ पर गेस्ट टीचर से काम लिया जा रहा है, वहाँ पर भी रेगुलर भर्ती की जाए, ऐसा एक प्रस्ताव रखने की बात न्यूज़पेपर में कही गई थी, और ये अपने आप में सच्चाई भी है दोस्तों। तो यहाँ पर बेनिफिट्स उन लोगों को मिल जाएगा जो कि अच्छे नंबर लाकर भी कम पदों के चलते अभी बाहर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इसका बेनिफिट 100% मिलेगा। बहुत से भाई बहन ये जानना चाह रहे हैं कि सर, कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये भी एक टेंशन का कारण है। इस बात को ध्यान से समझना दोस्तों, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो अपना काम कर रहे हैं वैक्सीन बनाकर, जो डॉक्टर्स हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि इस समय गर्मी इतनी तेज़ है, उसमें भी 16-16, 17-17 घंटे वो लगातार जो PPT किट होती है उसे पहनकर काम कर रहे हैं, तो उनकी हालत क्या होगी उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन है, वो अपनी जगह अपना काम कर रहा है दोस्तों, उसमें हमारी अहम भूमिका क्या हो सकती है? सबसे बड़ी अहम भूमिका ये हो सकती है दोस्तों कि पहले तो हम जो कोरोना वायरस का डर है उसे कम करने की कोशिश करें, डर की जगह हम सजगता का उपयोग करें। यदि हम सजग होंगे तो हम बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे कोरोना वायरस से। आज आप चारों तरफ देखते होंगे, या फिर आप फेसबुक पेज या फेसबुक या व्हाट्सएप कुछ भी ओपन करते होंगे, तो दो चीज़ कॉमन मिलेंगी आप, या तो किसी इंसान की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस की, उसकी न्यूज़ देखने को आपको मिलती है, किस तेज़ी से फैल रहा है वो न्यूज़ देखने को आपको मिलती है, और ये सब चीज़ें जो हैं आप में डर उत्पन्न कहीं ना कहीं कर देती है। मुझे अक्सर एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, और आपको भी नहीं, जितने भी पर्सनली जो स्टूडेंट जानते हैं उन्हें भी मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूँ कि न्यूज़ यही आती है कि 100 लोग पॉजिटिव हुए, जबकि ये नहीं बताते हैं कि कितने लोगों का टेस्ट किया गया। यदि मान लो एक उदाहरण के तौर पर 1000 लोगों का टेस्ट किया गया, उसमें से 100 पॉजिटिव हैं, तो 900 नेगेटिव भी तो हैं, ये भी तो आप जानें, और 900 नेगेटिव हैं उनमें से और 100 पॉजिटिव हैं, और उसमें से यदि उदाहरण के तौर पर 5 लोग जो होते हैं शांत हो जाते हैं कोरोना वायरस के चलते, तो 95 जो लोग हैं वो स्वस्थ भी तो हो रहे हैं। तो हमेशा ये न्यूज़ वायरल क्यों नहीं की जाती
कि 900 लोगों का जो है टेस्ट नेगेटिव आया है और जो पॉजिटिव भी थे 100 उसमें से 95 लोग अब ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस। हमेशा यही क्यों कहा जाता है दोस्तों कि जो 100 लोग हैं वो पॉजिटिव निकले और 5 लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि हम संपूर्ण सत्य यदि जाने तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है जो कि 18 प्लस जो भी हैं 18 प्लस उनको लगना शुरू हो रही है जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बाद हमारे विचार, क्योंकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे विचारों पर ही निर्भर करती है। सफलता और असफलता के बीच का जो कहें कि एक अंतर होता है वो आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। हर क्षेत्र में, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कॉम्पिटिशन का क्षेत्र हो, या फिर जो अभी हम एक युद्ध क्षेत्र में बैठे हैं कोरोना वायरस उसकी बात करें दोस्तों, मैं प्रकृति के सानिध्य में हूँ, अपने छत पर बैठा हुआ हूँ, पंछियों की आवाज़ सुन रहा हूँ और एक अंदर से शांति का अनुभव कर रहा हूँ। ये हमारे मन को पॉजिटिव रखती है। तन को पॉजिटिव रखने के लिए वर्कआउट है और वैक्सीन है, अच्छा खान पान है, पौष्टिक भोजन है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है कोरोना वायरस के चलते रोजगार नहीं है दोस्तों, तो ऐसे लोगों के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हर कोई अपनी जगह से मदद कर रहा है। हमारे सीपरी शहर में ऐसी बहुत सी संस्थाएं आईं और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं दोस्त कि कुछ संस्थाओं से मैं भी जुड़ पाया। इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं सीपरी में जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। किसी के घर भोजन नहीं है तो नंबर उन्होंने दे रखे हैं, आप कॉल करें आपको मदद मिलेगी। और हर ज़िले में ऐसा होगा, चूँकि मैं सीपरी ज़िले से हूँ, सीपरी में रह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ का पता है, कई संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो एक्टिविटी का पता है। तो हम अपने तरफ से जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं, हम सभी, यानी कि जो मेरा वीडियो देख रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, हम सभी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लेकिन एक अपील और करूँगा कि आप सोशल मीडिया पर भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मालूम है कि माहौल तो नेगेटिव है ही, लेकिन उस नेगेटिविटी में क्या पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, उस पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने आप को आगे लाकर हम इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यदि एक इंसान एक पॉजिटिव पोस्ट भी शेयर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस इंसान तक पहुँचेगी जिसके थॉट्स कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते नेगेटिव हुए हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ होगी दोस्तों।